नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। भारतीय कुश्ती में जारी संकट में आज तब नया मोड़ आ गया जब सैकड़ों जूनियर पहलवान अपने करियर में एक महत्वपूर्ण साल बर्बाद होने के खिलाफ जंतर मंतर पर जमा हुए और उन्होंने इसके लिए शीर्ष पहलवानों बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को दोषी ठहराया। बसों में भरकर जूनियर पहलवान उत्तर प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से जंतर मंतर पहुंचे। इनमें से करीब 300 बागपत के छपरौली के आर्य समाज अखाड़े से थे, जबकि कई नरेला की वीरेंद्र कुश्ती अकादमी से भी थे। सुरक्षा कर्मियों को उन्हें काबू करने में काफी परेशानी हुई। ये पहलवान बजरंग, साक्षी और विनेश के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इन्होंने बैनर पकड़ रखे थे जिस पर तीनों पहलवानों की तस्वीरों के साथ लिखा था, कर दिया देश की कुश्ती को बर्बाद, साक्षी, बजरंग और फोगाट। देखा जाए तो आज जो दृश्य जंतर मंतर पर दिख रहा था वह पिछले साल का ठीक उल्टा था, जब साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया धरने पर बैठे थे, लेकिन आज उन तीनों के ही खिलाफ खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के नए पदाधिकारियों के चुनाव के तुरंत बाद राष्ट्रीय अंडर 15 और अंडर 20 चैंपियनशिप गोंडा में कराने का फैसला किया गया था, जिसके बाद मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित कर दिया और ये टूर्नामेंट भी रद्द हो गए। प्रदर्शनकारी पहलवानों में से कईयों के पास आखिरी बार जूनियर स्तर पर खेलने का मौका था। मुजफ्फरनगर स्टेडियम के कोच प्रदीप कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 90% से अधिक अखाड़े इस प्रदर्शन में हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा, एक तरफ सिर्फ 3 पहलवान हैं और दूसरी तरफ लाखों हैं। उन्होंने देश के लाखों पहलवानों का करियर खराब कर दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों के मन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की कोई इज्जत नहीं है, उन्हें सड़क पर पटक रहे हैं। प्रदीप ने कहा कि वे कहते आ रहे हैं कि उनकी लड़ाई महिला और जूनियर पहलवानों के लिए है, लेकिन उन्होंने लाखों के करियर को बर्बाद कर दिया है। उनका प्रदर्शन WFI में शीर्ष पद पाने के लिए है, एक बार ऐसा होने पर उनका सारा प्रदर्शन बंद हो जाएगा, ऐसा कोच प्रदीप ने कहा। हम आपको याद दिला दें कि करीब एक साल पहले जंतर मंतर पर ही ये तीनों शीर्ष पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर धरने पर बैठे थे। उस समय किसान समूहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, महिला संगठनों और पहलवानों ने इनका समर्थन किया था। जनवरी 2023 से राष्ट्रीय शिविर और प्रतिस्पर्धाएं ठप पड़ी हैं। WFI दो बार निलंबित हो चुका है और तदर्थ समिति खेल का संचालन कर रही है। आर्य समाज अखाड़े के विवेक मलिक ने कहा कि इन जूनियर पहलवानों का पूरा एक साल खराब हो गया। नए WFI ने उन पहलवानों के भले के लिए फैसला लिया था जो जिला या प्रदेश स्तर की स्पर्धा भी नहीं खेल सके हैं। उन्होंने कहा कि नए महासंघ को भी निलंबित कर दिया गया। इसका चुनाव अदालत के निर्देशों के अनुसार हुआ था, लेकिन इसे काम नहीं करने दिया गया। निलंबन हटना चाहिए और महासंघ को काम करने देना चाहिए। कई खिलाड़ियों ने भी मीडिया के साथ बातचीत में साक्षी, पुनिया और विनेश के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। इतना घिनौना आरोप लगा के अपने तरफ जब ले जाना चाहते थे, अच्छे से इज्जत से उठे, इज्जत से अपना पर्चा दाखिला कराए, आराम से अपना उठे और चुनाव लड़े। ले जाने के लिए महिला भी उठवाए, पूरा फेडरेशन न्याय न्याय करने के लिए पूरा फेडरेशन रद्द करवाए, बोले फिर से चुनाव करवाओ। चुनाव फिर से हुआ, इनके तरफ से महिला भी उठी, पुलिस भी उठे और यहाँ से भी सब लोग उठे जो भी उठना है। और सांसद जी जो थे उनके मतलब जो भी थे बोले थे कि ये लोग इनके परिवार से कोई नहीं उठेगा, तो इनके परिवार से भी कोई नहीं उठा था। अब इधर हमारे तरफ के जो भी हो मतलब इधर के जीते हैं तो ये लोग कह रहे हैं कि उनके तरफ के हैं। मुझे नहीं पता कहाँ गए कहाँ नहीं है। जब फेडरेशन सही इंसान को चुन रही है तो फिर ये लोग फिर से गलत कर रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं। जब दोनों लोग इस्तीफा दे ही दे रहे हैं तो हमारा कुश्ती, हमारे देश के बच्चों के खिलाड़ियों का भविष्य क्यों नुकसान कर रहा है? इन लोग को गेम शुरू करवाइए और फिर से इनका गेम करवाइए। एक साल से प्रैक्टिस कर रहा है, सुबह से 5 बजे उठ के 10 बजे तक वहाँ मरते रहते हैं अखाड़े में, फिर उसके बाद शाम को फिर 3 बजे से उठ के 6 बजे आते हैं। ये लोग खाना पीना मतलब अच्छे से रेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, अपने भविष्य के लिए अपने सब कुछ नींद भी आराम करके प्रैक्टिस करते रहते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए। और ये लोग आसानी से यहाँ धरना वहाँ धरना ये करके वो करके सारा बर्बाद करके रखे। हमारे बच्चों का भविष्य एकदम खतरे में पड़ा हुआ है। एक साल से गेम नहीं हुआ। निधि त्रिपाठी मेरा नाम है। मेरा मांग है ये, जब दोनों लोग अपना इस्तीफा दे दिए हैं तो हमारा गेम शुरू करवाएं। एक साल से गेम कोई भी गेम नहीं हुआ है, सारा कैंसिल होते हुए जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा है, सरकार ने नई फेडरेशन का निलंबन किया है, मैं उसका स्वागत करती हूं। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले 2-4 दिनों से हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग बच्चों का हक मार रहे हैं और उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने संन्यास ले लिया है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद आने वाली बच्चियाँ मेरा सपना पूरा करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी भी बच्चे या बच्ची को कोई नुकसान हो। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। जैसा
आप सब जानते हैं कि 21 दिसंबर को जो है मैंने संन्यास ले लिया है कुश्ती से, और सरकार ने जो नई फेडरेशन उसका निलंबन किया उसका मैं स्वागत करती हूं। और जैसे ही चुनाव हुए तो ब्रिजभूषण ने जो बेउदगी की वो सब पूरे देश ने देखा। 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसने जो है अपने ही घर में नेशनल रख दिया बिना किसी नियमों को जाने। और ब्रिजभूषण ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है ये हमें मालूम नहीं था। और अभी 2-4 दिन से भी एलिगेशंस लगा रहा, 2-4 दिन से नहीं काफी दिनों से एलिगेशंस लगा रहा है कि हम जो है वो जूनियर बच्चों का हक मार रहे हैं, जूनियर बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मैंने संन्यास ले लिया है और मैं ये चाहती हूं कि जो मेरे बाद आने वाली जूनियर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं 62 किलो में जो है, वो मेरा सपना पूरा करें। मैंने ब्रॉन्ज जीता है, मैं चाहती हूँ कि पेरिस ओलंपिक में 62 किलो में जो भी नई लड़कियां हैं वो गोल्ड या सिल्वर जीते देश के लिए। और हेड ऑफ कमेटी ने सीनियर नेशनल अनाउंस किया है और मैं चाहती हूँ कि अंडर 15-17 अंडर 20 का भी नेशनल वो जल्द से जल्द अनाउंस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी भी बच्चे बच्चियों का जो है रेसलिंग में नुकसान हो। और हमें जो है नई फेडरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ हमें एक आदमी से दिक्कत थी, संजय सिंह से। और अगर नई फेडरेशन दोबारा आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें एडहॉक कमेटी से भी कोई दिक्कत है। मैं सरकार जो है माँ बाप की तरह होती है, जब बच्चा कोई भी शिकायत करता है या कोई भी उसे मांग होती है तो वो अपने माँ बाप के पास जाता है, तो वो भी हमारे अभिभावक हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, इन सबसे मैं अभी भी यही निवेदन करती हूं कि जैसा कि आप इतने समय से देख रहे हैं वो अभी भी संजय सिंह है, वो कैसे आंखें दिखा रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि फेडरेशन में जो है उसका दोबारा से कोई इंटरफेरेंस हो, ये आपसे निवेदन है। नई बच्ची बच्चियां जो है वो सुरक्षित महसूस करें। और पिछले 2 दिन से जो है वो ब्रिजभूषण के आदमी जो है वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। मेरे घर मेरी मदर के पास कॉल जाता है धमकी के लिए कि उसी के किसी आदमी का कि जल्द से जल्द आपके घर में किसी पे केस होने वाला है। तो मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाहती हूं कि हम सुरक्षित रहें, ये सरकार की जिम्मेवारी है। क्योंकि जब से हमने ब्रिजभूषण के खिलाफ लड़ाई शुरू की है वो ये कभी ना कभी ये एलिगेशंस या कुछ भी प्रोपेगेंडा वो चला ही रहा है, कभी कोई रूप दे रहा है, कभी हरियाणा यूपी का, कभी जात का वो रूप दे ही रहा है, अभी वो सीधा परिवार पे टारगेट कर रहा है। तो बस मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि हम सुरक्षित हों। और एक बात और कहना चाहूंगी लास्ट कि मैं 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कुछ लोग हैं, आईटी सेल है या क्या है ब्रिजभूषण की, वो बहुत गंदा बोल रहे हैं। तो बस उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जैसी बेटी या माँ बहनें आप लोगों के घर में भी हैं, तो ऐसा ना करें। धन्यवाद। साक्षी, आपके पास फोन नंबर से अगर फोन आ रहे हैं तो आप लोग पुलिस में इसको इत्तला कर रहे हैं, क्योंकि ये बाद में डेंजरस भी हो सकता है अगर आ रहा है फोन पे। हाँ, मेरी मदर के पास कॉल आया था तो उसका हम अभी आगे कार्रवाई करेंगे कि धमकियां आ रही हैं ऐसे ऐसे कि आपके परिवार पे किसी न किसी पे केस भी होगा। तो ये बड़ा मतलब दुखदायी है कि हमने जो लड़ाई है वो न्याय के खिलाफ लड़ी थी, बच्चों को बच्चियों को सुरक्षित रहें रेसलिंग में उनके लिए लड़ी थी या पूरे देश में सुरक्षित रहें, लेकिन हमें ही धमकियां आ रही है और हमें ही घर परिवार पे थ्रेट करवा रहा है, तो ये तो बड़ा दुख की बात है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कहना है कि संजय सिंह को तो वो वापस नहीं लाएंगे, चाहे वो प्रोटोकॉल फॉलो करें ना करें, संजय सिंह वापस नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही सूरत है जिसमें वो वापस आ सकते हैं, अगर वो कोर्ट चले जाए और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इनको वापस कर लीजिए, तो उसमें फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का भी हाथ नहीं रहेगा। तो क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रही है संजय सिंह को वो वापस नहीं लेकर आएंगे? हाँ, मैं वही बात मैं बार बार निवेदन ही कर सकती हूँ कि जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं उसने कितनी बेहूदगी की है, और जब उसने वो किया इलेक्शंस जब हुए उसके बाद उसने जो नारे लगाए उससे बच्चे बच्चियां भी बहुत ऐसे परेशान हुई कि दबदबा वाली चीज से।
तो हाँ, अगर सरकार ये कह रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये कह रही है कि वो वापस नहीं आएगा, मेरा भी यही निवेदन है कि वो ना आए, उसकी जगह कोई भी आए। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।